करना है आपको? हेलो जी सर, पूछिए अपना सवाल। सर, नमस्कार जी। मैं सर दीपक नाइट्रेट के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। मैं शिव कुमार जी को दीपक नाइट्रेट के 75 शेयर हैं 1890 रुपए के भाव पर। रुचित, आपसे इसका जवाब लेंगे। देखिए, जो नतीजे जो आए थे, अगर हम उसको पिछले साल से तुलना करेंगे तो चूंकि बेस काफ़ी बड़ा हो गया था केमिकल कंपनीज के लिए, तो वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन आना ही था। लेकिन कहीं ना कहीं एबिटडा में 30% का हिट आया था, यानी कि जो कामकाजी मुनाफा है 30% गिरा था। मार्जिन वाला जो एक प्रॉब्लम है वो उभर के सामने आई कि उस मार्जिन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था, जो पिछले साल थे 22% से गिर के 13% के आसपास आ गया। उसके चलते हमने शेयर में एक शार्प रिएक्शन नीचे की तरफ देखा था, हालांकि अब संभलने की कोशिश चल रही है। इसके आपको चार्ट कैसे लग रहे हैं, और अभी इनको प्रॉफिट हो रहा है? करीब करीब प्रति शेयर हम देखेंगे तो 225 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। आगे आप तेजी देख रहे हैं क्या इसमें अभी? स्टॉक के लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी अच्छे, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स फिलहाल इतने पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स नहीं है, क्योंकि हमने जो रिसेंट अपमूव भी देखा था, जब ये स्टॉक 2100 से लेके लगभग 2300 2350 तक गया था, तो वो अपमूव्स में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा नहीं थे। और जब ये रिजल्ट के बाद जिस दिन करेक्शन आया है, वो करेक्शन में काफी हाई वॉल्यूम्स है। तो जनरली जब भी ऐसा होता है कि स्टॉक के करेक्टिव फेजेस में अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 2070 एक इंपॉर्टेंट नो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, जो इसका स्विंग लो और 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे 2070 का एक स्टॉप लॉस रखें और नो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। ऑल राइट है, ठीक है। तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फेसबुक के जरिए हमें मुंबई से राजेश जी ने सवाल भेजा है, और इनका सवाल है JTKT पे 3000 शेयर 105 पे लिए। हाल फिलहाल में स्टॉक काफी फोकस में भी था, कंपनी ने अपनी गाइडेंस भी बढ़ाई थी, और काफी कुछ खबरों के चलते ये शेयर लगातार फोकस में रहा है। आज भी देखिए करीब 2% ऊपर है, और पिछले एक हफ्ते में करीब करीब 10% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। विवेक, आप सजेस्ट करिए। अभी हल्का मुनाफा इनको यहाँ पर हो रहा है, इनकी खरीद 105 के आसपास की थी, तेजी आई स्टॉक में, और अब 130 के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी आपको कैसी लग रही है? अभी भी बने रहने की राय देंगे स्टॉक में? मुझे 100% इसको होल्ड करना चाहिए। कंपनी ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत बढ़िया कंपनी है ये, और इसका अगर आप परफॉर्मेंस देखो, लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस देखो तो भी शानदार है। और प्लस कंपनी में डेट बहुत बहुत कम है, ऑटो एंसिलरी में एक पिकअप हो रहा है, वो आपको स्टॉक प्राइस बता रहा है, और स्टॉक प्राइस इन दामों में भी मुझे लगता है कि काफी अंडर वैल्यूड है। तो ये आपको मिनिमम मुझे लगता है कि 160 तक स्टॉक दिखाना चाहिए, तो आपको होल्ड करो। और इनफैक्ट अगर अगर कोई नया इन्वेस्टर हो और अंदर आना चाहे, तो मेरे हिसाब से आप इसको करीबन 120 का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्गर टर्म बेट के रूप में बाई भी कर सकते हो। ठीक है, JTEKT बहुत ही शानदार रनअप दिखाया इस शेयर ने, इसमें अभी भी आपको बने रहने की सलाह।